हिमाचल में रविवार को एक और बड़ा हादसा हुआ है। शिमला की जुब्बल तहसील के तहत स्नेल में उत्तराखंड बॉर्डर के समीप भारी लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड के समय वहां से गुजर रही कुछ गाड़ियां इसकी चपेट में आ गईं और दब गईं। प्रारंभिक सूचना के अनुसार एक गाड़ी को निकाल लिया गया है। गाड़ी में दो लोग सवार थे जिनकी मौत हो गई है। वहीं एक और गाड़ी को निकाला जा रहा है। संभावना है कुछ और गाड़ियां भी मलबे में दबी हो सकती हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बता दें कि स्नेल में NH-707 पर रविवार को अचानक पहाड़ी से मलबा और पत्थर आ गिरे। इस दौरान NH पर सफर कर रही कुछ गाड़ियां और लोग इसकी चपेट में आ गए। सूचना मिलते ही पुलिस चौकी सरस्वती नगर व चेक पोस्ट कुड्डू की टीम मौके पर पहुंची। जानकारी मिलने पर पुलिस स्टेशन जुब्बल से SHO की अगुवाई में टीम भी मौके पर पहुंची। तुरंत मशीनरी बुलवाई गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सबसे पहले एक गाड़ी को निकाला गया जिसमें सवार दो लोगों ने दम तोड़ दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है।